नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती बाड़ी और ट्रैक्टर की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की फसल में लगने वाले सीड ब्लाइट रोग के बारे में। दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग है जिससे हमारी धान की फसल 20-50% तक नुकसान पहुँच सकती है और इससे हमारी उपज में सीधा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, जो धान का सीड ब्लाइट रोग होता है या धान की सीथ यानी धान के तने में लगता है और यह धीरे धीरे पूरी पत्तियों और पूरे पौधे में फैल जाता है, जिससे हमारी धान की फसल सूखने लगती है और हमारी धान की फसल में ग्रोथ पूरी रुक जाती है और हमको इससे नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, आज हम इस रोग के पूरे लक्षण के बारे में बात करेंगे, इस रोग के फैलिए फेवरेबल टाइम की बात करेंगे कि यह हमारी धान की फसल में कौन से कारणों से लगता है और इस बीमारी के रोकथाम के उपाय के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, आखिर ये सीड ब्लाइट रोग होता कैसा है और इसके कौन कौन से कारण होते हैं। दोस्तों, इस जो सीड ब्लाइट बीमारी है यह धान की फसल की तनों में लगता है और यह एक फफूंद जनित बीमारी है। दोस्तों, इसमें राइजोक्टोनिया सोलानी नामक फफूंद होता है जो कि हमारी धान की फसल में अटैक करता है, जिससे हमारी धान की फसल सूखने लगती है। दोस्तों, इसके अगर कारणों की बात करें तो अगर हमारी धान की फसल में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग हुआ है तो इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, और अगर आपकी धान की फसल में ज़्यादा लंबे समय तक अधिक पानी खड़ा रहता है तो उसके कारण भी यह फफूंद जो है हमारी धान की फसल में अटैक करता है। वही दोस्तों, अगर हमारी धान की फसल ज़्यादा घनी है तो उसके कारण भी यह हमारी धान की फसल में हो सकता है। शुरुआती लक्षण की बात करें तो यह हमारी धान की जहाँ पर पानी की सतह होती है वहाँ के तनों पर पहले दिखाई देता है और यह तनों के माध्यम से होते हुए यह पूरे पत्तियों में फैल जाता है। दोस्तों, इसके पूरे पौधे में फैलने से पूरी पत्तियां सूख जाती है और हमारी धान की फसल सूखाई जैसी दिखाई देती है। और दोस्तों, इसका जो रंग होता है यह हल्के भूरे रंग के होते हैं जो कि धीरे धीरे गाढ़े होने लगते हैं। दोस्तों, वही अगर इसके उपयुक्त समय की बात करें तो इसमें अगर आपके क्षेत्र में मौसम में ह्यूमिडिटी 95-100% के बीच में है और अगर आपकी क्षेत्र की तापमान 28-32 डिग्री सेल्सियस के बीच में है तो यह इस फफूंद के फैलने के लिए फेवरेबल टाइम होता है। दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार का मौसम है और आपको लगता है कि आपके खेत में ज़्यादा पानी खड़ा है तो इस रोग का लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप समय समय पर अपने खेत की जो देखभाल है वह करते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बीमारी के रोकथाम के उपाय के बारे में। धान की बुआई के समय आप इसमें बीजोपचार में आप कार्बन डाइजिम 1 ग्राम की मात्रा के हिसाब से आप इसमें प्रति किलो की मात्रा के हिसाब से आप बीजोपचार करके बो सकते हैं। वही अगर दोस्तों अगर आपके फसल में यह रोग हो चुका है तो उसके रोकथाम के लिए आपको फोलियर स्प्रे करना पड़ेगा, जिसमें आपको प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे आप कर सकते हैं जो कि 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की मात्रा के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। वही दोस्तों, एजॉक्सिस्ट्रोबिन वैलिडामाइसिन भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो हेक्साकोनाजोल और वैलिडामाइसिन की जो मिश्रण वाली दवाई होती है वह आपके लिए काफ़ी कारगर दवाई है। वही दोस्तों, अगर आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन का उपयोग करते हैं तो भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस टेक्निकल नेम की आप किसी भी दवाई का उपयोग कर सकते हैं, आपको सीड ब्लाइट के रोग के लिए बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ी जानकारी मिल सके। कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।